आप देख सकते हैं कैसी मोती के जैसी चमक रही है ये साबुदाने की खिचड़ी। ये बनाई है मैंने स्पेशली नवरात्रि व्रत के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि साबुदाना की ऐसे चमकती हुई ट्रांसपेरेंट दाने की खिचड़ी कैसे बनाई जाए तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी साबुदाना को भिगोने का सही और सटीक तरीका। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइए। नवरात्रि की बहुत सारी रेसिपीज ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट करना ना भूले। Hey friends, welcome back to my channel and you're watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट करके बताना ना भूलें आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इस टाइप के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। रोज 11 बजे एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ और बहुत बार दिन में दो वीडियोस भी अपलोड हो जाते हैं। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है फिर वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी वीडियो मिस ना करें, गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें। गिव अवे में पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं इतने सारे एक्साइटिंग प्राइजेस, तो इसको बिल्कुल मिस ना करें और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करें आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि साबुदाना को हमें कैसे भिगोना है। मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी साबुदाना। साबुदाने का साइज आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल साइज है, ना ज्यादा छोटा है ना ही ज्यादा बड़ा है। इसी साइज के साबुदाने की खिचड़ी बनाई जाती है। तो जिस कटोरी से आपने मेजरमेंट किया है साबुदाने का उसको अलग रख दीजिए। अब सबसे पहले मैं इस साबुदाना को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लूंगी। साबुदाना को वॉश करना इसलिए जरूरी है ताकि इसके अंदर जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। अगर आप इसको सही से वॉश नहीं करेंगे तो ये साबुदाना चिपचिपा हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले एक बार पानी डालकर इस तरीके से वॉश किया। तो आप देख सकते हैं कि पानी में कितना ज्यादा स्टार्च निकला है, पानी पूरा सफेद हो गया है। ये सफेद पानी शो कर रहा है कि साबुदाना में कितना ज्यादा स्टार्च था। एक बार वॉश करने के बाद आपको इसी तरीके से 2 बार और वॉश करना है। जब 2 बार वॉश हो गया है तो लास्ट टाइम मैं इसको 1 बार और वॉश कर रही हूँ। लास्ट टाइम वॉश करने के बाद जितना भी पानी है वो सब निकाल दीजिए। अब मैं इस साबुदाने में उसी सेम कटोरी से पानी ऐड करूंगी। मींस जितना आपने साबुदाना लिया था उतना ही पानी आपको ऐड करना है और इसको ढककर कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देना है। मैं अक्सर रात में इसको भिगोकर छोड़ देती हूँ और मॉर्निंग में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको ये साबुदाना मिल जाएगा। दाना एक एक अलग है लेकिन बहुत ही परफेक्टली गल गया है। अक्सर होता क्या है, अगर आप 2 से 3 घंटे के लिए इसको भिगोते हैं तो ये परफेक्टली गलता नहीं है। मींस अगर आप इसे फिंगर्स के बीच में प्रेस करेंगे, अभी आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली प्रेस हो गया, लेकिन अगर 2 से 3 घंटे रखेंगे तो इतना परफेक्टली प्रेस नहीं हो पाएगा। इसलिए 7 से 8 घंटा इसको भिगो कर रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर साबुदाना परफेक्टली भीग गया था और एक एक दाना इसका अलग हो गया था। उसके बाद साबुदाना की खिचड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी कुछ मूंगफली और काजू। तो इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ, घबराइए मत, इतनी सारी मूंगफली नहीं डालेंगे। ये एक साथ मैंने मूंगफली रोस्ट करके रख ली है ताकि अगर मैं पोहा बनाती हूँ, साबुदाना खिचड़ी बनाती हूँ या फिर फास्ट में खाती हूँ तो उसके लिए मेरे पास इकट्ठे हो जाते हैं। लाइकवाइज जब मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है तो आधा चम्मच घी में मैंने काजू को भी रोस्ट कर लिया है। रोस्ट आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है। काजू परफेक्टली रोस्ट हो चुके हैं तो इसको भी मैं निकाल कर अलग रख लेती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं साबुदाना खिचड़ी बनाना। इसके लिए आधी चम्मच घी लीजिए। उसमें ऐड करना है आपको सबसे पहले कच्चे आलू। कच्चे आलू इनको मैं काट कर 2 से 3 बार वॉश कर चुकी हूँ। उसके बाद इसका सारा पानी निकाल दिया है। पानी निकालने के बाद आपको इसे कढ़ाई में ऐड कर देना है और लगभग इसे 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है। आलू को तब तक पकाना है जब तक आलू अच्छे से पक ना जाए। अच्छे से पकने के लिए मैंने इसको ढककर रख दिया था। अब मैं स्पून से काट रही हूँ तो परफेक्टली कट रहा है, इट मींस कि आलू अच्छे से पक गया है। तो बस इस स्टेज पर मैं आलू को निकालकर अलग रख लूंगी। अब मैं इसी सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड करूंगी। घी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ करी पत्ते। करी पत्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो फ्रेश करी लीव्स यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा। जीरे के साथ आपको ऐड कर देना है साबुदाना जिसको हमने अच्छे से वॉश करने के बाद 8 घंटे भिगोकर रख दिया था और 8 घंटे के बाद अब हम इस साबुदाना को यूज कर रहे हैं। दाना देख सकते हैं, एक एक दाना बिल्कुल मोती की तरह से आपकी कढ़ाई में आ रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है सेंधा नमक, व्रत में खाए जाने वाला। साथ में ऐड करूंगी थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही में थोड़ा सा गरम मसाला और
लास्ट में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सभी को आपस में मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आलू, जिनको हम फ्राई करके रख चुके थे, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा हरी मिर्च, हरा धनिया इसमें ऐड कर दीजिए। देख सकते हैं ये सब चीजें ऐड करने के बाद कलर कितना प्यारा आ गया है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी परफेक्ट खिचड़ी ये बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कीजिए, काफी ज्यादा टेस्टी लगेगी। लास्ट में जब हमने इसे 2 से 3 मिनट तक ढककर पका लिया, तब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मूंगफली के दाने और कुछ काजू और किशमिश। ये सब चीजें आपको लास्ट में ही ऐड करनी है, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप इसको ढककर पकाते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको इसे लास्ट में ही ऐड करना है। जब आपने इसको ऐड कर दिया, इनको आपस में मिक्स कर लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए ये साबुदाने की खिचड़ी। इस साबुदाने की खिचड़ी को गर्म गर्म ही सर्व करें, तभी ज्यादा टेस्टी लगेगी। आई होप कि आपको ये गर्मा गर्म मोती जैसे साबुदाने की खिचड़ी बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी रेसिपी कॉमेंट्स में लिखना ना भूलें। पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन गिव अवे कॉन्टेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।